इंडियन किड्स वर्सेस पाकिस्तानी किड्स माइंडसेट। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, कैसा देश होगा पाकिस्तान? मतलब ज्यादा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी है, होनी चाहिए खत्म, होनी खत्म होनी चाहिए, लड़ाई करना चाहिए आपस में, नहीं करना चाहिए। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। जंग। जंग कौन सी वाली? हमारी तो चार जंगे हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है। इंडिया में ये होता है कि जैसे मोमोज इतनी गंदी चीजें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती। आपको किसने बताया ये कि इंडिया में गंदी चीजें होती हैं, खाने के काबिल नहीं? तो कभी इंडिया गए हो आप? नो, मैं गया था, जाऊंगा भी नहीं। जाऊंगे भी नहीं, क्या वजह? इतनी नफरत इंडिया के लिए क्यों है? हमारा दुश्मन है। वो कहता है कि मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहे? ये मेरी टीचर ने बताया मुझे। इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं, वो कश्मीरियों को भी तंग करते हैं। ये आपको सब किसने बताया, किसने सिखाया? न्यूज में भी, मम्मा पापा भी बताते हैं। मामा पापा भी बताते हैं और न्यूज से भी देखते हो। अच्छा, मुझे बताओ कि कभी वैसे दिल करता है कि इंडिया वालों के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, वो यहाँ पर आए हम वहाँ पर जाएं? डेफिनेटली हम इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडिया के लोग भी यहाँ पर आते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, इतनी नफरत इंडिया से? हाँ जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत पाली हुई है? हाँ जी। क्या वजह है? बस ऐसे ही अच्छे नहीं लगते। क्योंकि आज हम पाकिस्तान के बच्चों से पूछेंगे कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है, और इन बच्चों को स्कूलों में, घरों में इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। ये आपने किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने। मम्मा ने सिखाया। मम्मा ने क्या कहा इंडिया के बारे में? कि इंडिया हिंदू है, उनसे मतलब जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। हिंदू है तो क्या नहीं करना चाहिए? जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। जोड़ी मतलब दोस्ती? हाँ जी। किसी हिंदू को जानते हो? ना। तो फिर दोस्ती कैसे हुई किसी के साथ? जानता हूँ, यूट्यूबर्स हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे लगते हैं वो आपको? हाँ, कुछ अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? स्कूल में इंडिया के बारे में कोई नहीं पढ़ाया जाता, कायदे आजम के बारे में पढ़ाया जाता है। नहीं, मतलब क्या बताया जाता है, कैसा मुल्क है इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क है ना, उसके बारे में कुछ तो पढ़ाया जाता होगा मुतालिया पाकिस्तान में। पढ़ाया जाता है। क्या? के जैसे कि आप लोगों को मतलब एक जैसा दोस्ती ही रखनी चाहिए, और दूसरा ये हमें पढ़ाते भी हैं साथ में इंडिया के बारे में। पंजाब कैडेट स्कूल है, ठीक है, उधर पढ़ाते हैं, तो उधर पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? कि चाइना तो ठीक है, पर इंडिया जो है वो ज़्यादातर अच्छा नहीं होता, हिंदू होता है, हिंदू जैसा। तो इंडिया में ये होता है कि जैसे मोमोज इतनी गंदी चीज़ें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती। आपको किसने बताया ये कि इंडिया में गंदी चीज़ें होती हैं, खाने के काबिल नहीं? तो कभी इंडिया गए हो आप? नो, मैं गया था, जाऊंगा भी नहीं। जाओगे भी नहीं, क्या वजह? इतनी नफरत इंडिया के लिए क्यों है? हमारा दुश्मन है। किसने सिखा दी, इतने छोटे से दिमाग में इतनी नफरत किसने भर दी इंडिया के लिए? टीवी में न्यूज़ आते हैं ना, उससे सीखता हूँ। टीवी में जो न्यूज़ आती है उससे सीखते हो? यार, ये तो बड़ी गलत बात है। हमारा नेबर कंट्री, और कहते हैं हमसाए तो माँ जाए होते हैं, उनके साथ बना कर रखनी चाहिए ना, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बना लेंगे दोस्ती हम कभी कहते ना। इतनी नेगेटिव सोच के साथ कैसी दोस्ती बनेगी इंडिया के साथ? देखते हैं, अब पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, जब पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, हिंदू हैं, बकवास कौम है, हमें उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, तो फिर और कौन सिखाएगा? हमें हमारी माँ बाप सब कुछ सिखाएंगे। अल्लाह, सारे ने हमें बड़ा किया है, माँ ने बड़ा किया है, बाप ने बड़ा किया है, वही सिखाएंगे सारा कुछ। अच्छा, इंडियन मूवीज देखते हो? हाँ, कभी कभी देखता हूँ।
इंडिया बुरा भी लगता है लेकिन उसकी मूवीज भी देखते हो, ये क्या सीन हुआ? अब इंडिया थोड़ा सा अच्छा लगा। थोड़ा सा अच्छा लग गया मेरे से बात करने के बाद? उससे भी ज्यादा अच्छा। ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट? किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट? के हम इंडिया ये सोचता कि हमने उसके लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है लेकिन हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है। ठीक है, तो इसलिए आपको लगता है कि इंडिया हमसे नाराज है? तो फिर इंडिया को कैसे मनाया जा सकता है? अगर वो हमारे साथ अच्छा करते तो हमें भी उनके साथ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल, आप इंडिया जाना चाहोगी अगर मौका मिले तो? श्योर। कहाँ कहाँ घूमना चाहोगी? वहाँ की जो मतलब बहुत स्पेशल जगह होती है वो उधर। इंडियन मूवीज देखती हो? नहीं नहीं देखती। अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इंडिया हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन? दुश्मन है हमारा लेकिन हमें उसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए अगर वो हमारे साथ दोस्त की तरह रहता है। ठीक है, आपको स्कूल में बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है? हाँ। क्या दुश्मनी है इंडिया की और हमारी? के वो कहता है कि मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहे? ये मेरी टीचर ने बताया मुझे। टीचर ने बताया? तो आपने टीचर से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा कि अब ये ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं? यस। आपने अगली दफा अपनी टीचर से पूछनी है ये बात कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। पूछोगे? ओके। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जो पाक स्टडीज में पढ़ा था सारा इम्पैक्ट ऑफ वॉर और ये सारा कुछ, वही याद आ जाता है इंडिया के नाम से। जो लाइक कश्मीर का हुआ था कैप्चर और लाइक जिस तरह कश्मीर ने लाइक अपना आपको महफूज किया था इंडिया से, इस तरह की चीजें लाइक याद आ जाती हैं। किस क्लास में ये पढ़ाया गया? 9th क्लास में पढ़ाया गया था, मगर पहले भी पढ़ाया गया था काफी। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जंग। जंग कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है। ये लाइक ग्रज आता है जाहिर सी बात है, कश्मीर के साथ उन्होंने जो किया और काफी चीजें उन्होंने बुरी की है पाकिस्तान पे, जो हमले वगैरह किए हैं उसका। अच्छा, ये सब आपको कैसे पता चला, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था? सारी सी बात है स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में हमें सारा कुछ सिखाया जाता है, बैक हिस्ट्री और सारा कुछ उसका। स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही पढ़ाया गया कि इट्स नॉट अ गुड कंट्री फॉर अस। और मेरे पास मुताला है पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो है ना वो मुआशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मजेदार चीज लिखी हुई है कि मायूसी और बदले के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया।